पानीपत के राजनगर की बात करते हैं, जहां राजनगर कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार में जब बच्चा पैदा हुआ तो उनकी वही खुशी गम में तब्दील हो गई, क्योंकि यहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में जिस बच्चे ने जन्म लिया उस बच्चे के दो सिर चार हाथ हैं। बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि बच्चे अभी भी पहचान नहीं हो पाई है कि वह लड़का है या फिर लड़की। बस जी, बच्चे तो जैसे सब बच्चे होते हैं, टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवाए, सारा कुछ ठीक करवाया था, दो बच्चे भी बता दिए थे। फिर कुदरत की करिश्मा, ये जब ऑपरेशन हुआ ना, फिर ये पता चला ये जुड़े हुए हैं। अल्ट्रासाउंड में पता नहीं लगा, दो बच्चे पता चल गया था। उन्होंने सोचा कभी ये उल्टे हैं बच्चे, पैरों की तरफ उन्होंने धड़कन वड़कन सब सही थी, कुछ नहीं दिक्कत, इसने बच्चों को सब टेस्ट होते रहे। पर ये जब पैदा हुए ना, जब पता चला डॉक्टर को भी ये वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इनका कौन से हॉस्पिटल से हुए? ऑपरेशन से हुए हैं ये। डॉक्टर ने क्या कहा जी? डॉक्टर को भी ये पता नहीं था। डॉक्टर ने कहा भी दो बच्चे हैं, उन्होंने कोई लापरवाही नहीं करी, कुछ नहीं करी, और अच्छे से इलाज भी कराया। पैदा होने के बाद क्या कारण है? बस ये उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने कहा भी ये क्या पता कहाँ तक जुड़े हुए हैं, आप कहीं भी ले जाना चाहते हो भाई तो ले जाओ। कितने परिवार में पहले भी बच्चे ऐसा कभी हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे एक पोता है, बहुत सही है, 7 साल का हो रहा है। ये दूसरे लड़के के बच्चे हैं, छोटे लड़के के हैं, ये पहली बार ही हुआ इसके लिए। अभी बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं, आपके मतलब क्या आप चाह रहे हैं, आप कैसे हैं? बस ये चाह रहे हैं हम तो कि भाई ये ठीक हो जाए। जब इनकी जिंदगी दी है तो ये कैसे करके इन्हें ठीक हो जाए, और हमारे भी तो परेशानी है। माँ को भी बहुत बीपीआई हो गए ये सुन के कि भी एक बचेगा, एक हो सके, अलग भी करेंगे डॉक्टर तो कोई बात, तो ये बात परेशानी कोई सुनेगा? माँ वो ऑपरेशन से पैदा हुए, ऑपरेशन भी इसलिए करना पड़ा कि माँ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और उसको दौरे का डर था। तो ऑपरेशन से जो बच्चे पैदा हुए वो जुड़वा थे, पेट से जुड़े हुए हैं, दो दिल हैं, दो फेफड़े हैं, दो दिमाग, बच्चे अच्छे से दूध पी रहे हैं, अच्छे से टट्टी पेशाब कर रहे हैं। अब पेट से सेपरेट तभी हो पाएंगे जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या PGI में आके जाके CT स्कैन MRI वगैरह कराएं, ताकि अंदर का पता लगे कि प्रोसेस अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है। इंडिया में कई ऑपरेशन हुए हैं, बाहर वालों के भी हुए हैं। तो ये लड़का है या लड़की है ये नहीं पता लग रहा। अच्छा जी, टट्टी पेशाब ठीक आ रहा है, लड़का लड़की अंदर से छुपा हुआ है। अच्छा, ये पता नहीं लग रहा सर, पीछे से तो अंदर से CT MRI वगैरह से पता लगेगी। सर उन्होंने पहले कहा कि अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आई नहीं थी, कैसे? अल्ट्रासाउंड तो उन्होंने 3 महीने पे कराया ना, उसके बाद 5वें 6 महीने में तो कराया नहीं उन्होंने। यूजुअली तो 4 महीने 5-6 महीने में पता लगती है। ऑपरेशन के बाद इनका जीवन कितना सर, क्या ये जी पाए? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं सारी, कितना क्या होगा क्या नहीं होगा। सर वहाँ से दो कड़ी पीछे हूँ जी, इतना मेरे को नहीं पता, मेरे को अभी पता चला था। क्या पता लगा जी? ये पता लगा अभी, दो बच्चे हुए हैं, जुड़वा हुए हैं, मतलब जैसे आम बच्चे होते हैं ऐसे नहीं हैं, अलग अलग होते हैं, तो भाई अच्छा होता है, सबके होते हैं तो चलते हैं। तो जो जिसका शरीर जुड़वा है वो तो कोई काम के नहीं है, तो उन्हें बताना चाहिए था, जो अल्ट्रासाउंड कराया उन्हें बताना चाहिए था।